Hey guys, what's up? It's me, Priya, and welcome back to my YouTube channel. And in today's video, I'm going to be showing you what I do for my makeup every single day here in Korea. So, it's going to be very basic. My everyday makeup look, simple, because we have to go out every day quickly and explore every day. So, let's start. Subscribe for more. So, firstly, I'm going to prep my skin. Just for I use this Pixi ka Glow Boost Face Mist. ऑनेस्टली बताओ, आई डोंट नो कि क्या ऐसे ग्लोइंग वाला इफेक्ट आता है या क्या होता है, बट मेरे को तो फीलिंग पसंद है जब मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, बट ऐसे एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होता है ना, तो इसलिए चला गया. बोलते बोलते मेकअप करूँगी, यही होगा. स्किन केयर तो मैं रात को करके सोती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप के टाइम पर नहीं करती, वरना बहुत ज़्यादा हैवी लेयर हो जाती है. इसलिए नेक्स्टली आई एम यूजिंग दिस इनिस्फ्री का ग्रीन टी सीड क्रीम, जो मैं एज अ मॉइस्चराइजर अपने मुंह पे लगाने वाली हूँ फॉर अ बेस. एंड आई ऑलवेज मेक श्योर टू डैब माई क्रीम, नॉट स्प्रेड इट लाइक दिस, क्योंकि उससे ना स्किन वो हो जाती है, ऐसे ऐसे ड्रैग होती है तो खराब जाती है, बेसिकली बूढ़े हो जाते हो. तो इसलिए ऑलवेज डैब. तीन चार सुबह सुबह थप्पड़ मार दो तो स्किन उठ जाती है. Since we are going out और बहुत ज़्यादा sun और धूप वगैरह होती है, so we definitely have to apply a sunscreen. This is the Body Shop Skin Defense sunscreen with SPF 50. So थोड़ा सा हम लेंगे और यहाँ पे एक एरिया पर लगा के अगेन डैब. धीरे धीरे करके लगाती हूँ मैं, एक साथ सारा नहीं लगाती, वरना वो थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो जाता है. वैसे तो कोरिया में यूजुअली मौसम बहुत ही कमाल का और सही हो रखा होता है, बट हाँ, क्योंकि ये माउंटेन्स वगैरह के पास है तो ना क्या होता है कि धूप कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस चक्कर में सनस्क्रीन लगाना इज वेरी एसेंशियल फॉर पीपल लिविंग हियर. एंड मैं ऑनेस्टली जिसको भी जानती हूँ, सब लोग सनस्क्रीन का बोलते हैं कि ज़रूर लगाना चाहिए इफ यूर इन कोरिया, और इन जनरल भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड जो भी कोरियंस होते हैं ना यहाँ पे, मैं देख रही हूँ यार क्या स्किन है इन लोगों की, कमाल, मतलब ग्लो लिटरली अंदर से निकल निकल के ग्लो कर रहा है ये, इनकी स्किन मेकअप के अंदर से ऐसे चमक रहे हैं. नेक्स्टली आई एम यूजिंग दिस लिनेज का लिप स्लीपिंग मास्क. अब स्लीपिंग मास्क है बट आई एम यूजिंग इट एज अ लिप बाम, क्योंकि बहुत ही एक मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट देता है यार लिप्स को, तो प्रेप करने में काम अच्छा आता है. एंड ऑल्सो तुम देख ही रहे हो मैं इनिस्फ्री का सामान यूज़ कर रही हूँ, मैं लिनेज का यूज़ कर रही हूँ, ऑल ऑफ दीज आर कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज, और अच्छी भी है यार, काफ़ी अच्छी है. सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द मेकअप. एंड फॉर इट द फर्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन, जो मैं शुगर कॉस्मेटिक्स की यूज़ करती हूँ. दिस इज द एस ऑफ फेस फाउंडेशन इन शेड 30. एंड बहुत ही मुश्किल है कोरिया में इंडियन स्किन टोन की फाउंडेशन मिलना, या फिर मतलब एवरी वन इज वेरी लाइक लाइट स्किन हेयर, तो उसी हिसाब की फाउंडेशन मिलती है, बट इसलिए आई एम कैरिंग दिस विद मी. और हाँ, यहाँ पे ना लोगों को एक शौक भी है, अपनी स्किन से पता नहीं लाइट कलर की फाउंडेशन यूज़ करते हैं, एंड उसके लिए मॉइस्चराइजिंग टाइप प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो पता है क्रीम फॉर्मूले में होते हैं, बट दे लाइक लाइटन योर स्किन बिफोर द मेकअप. मैं तो स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बट पता है कोरिया में ना मोस्टली पीपल यूज कुशन फाउंडेशन, अब चाहे लड़का हो या लड़की, दे यूज कुशन फाउंडेशन एंड दे आर वाइडली पॉपुलर हियर. यहाँ पे मेकअप का इतना ज़्यादा शौक है सबको, पता नहीं हर कोने भी तुम्हें एक ऑलिव यंग मिल जाएगा, विच इज़ लाइक अ मेकअप का स्टोर जैसे हमारे यहाँ नायका है, और अगर कोई लोकल स्टोर है ना तो उसके बाहर भी यू सी आंटीज सेल्स पर्सन जो बुलाती रहती है शॉप्स के अंदर कि आके ले लो, उनके पास काफ़ी सारे सैम्पल्स भी होते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं. एंड जो शीट मास्क है ना यहाँ पे गाइज, इतने ज़्यादा चीप मिलते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ आई नो कि 100 रुपये से कम का कोई शीट मास्क मिलता ही नहीं है. यहाँ पे इफ़ यू गेट इन ऑन ऑफर ना 50-60 का आराम से मिल जाएगा एक शीट मास्क, तो इसीलिए ये लोग डेली यूज़ कर करके इनका इतना सही स्किन हो रखा है. नेक्स्ट इज दिस फ्लफी लिप टिंट इन शेड 03 दैट आई एम यूजिंग फॉर माई ब्लश एंड माई लिप्स. एंड ये जो है ना लिप टिंट, इट्स वेरी नाइस क्योंकि इसके अंदर एवोकाडो ऑयल है एंड दैट रियली हेल्प्स इन मॉइस्चराइजिंग. मैं इसको ब्लश की तरह यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ये शेड को. सी, एक ग्लोइंग इफेक्ट भी आ रहा है ना. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज व्हेन आई अप्लाइड ऑन माय लिप्स ना, इट गिव्स ऑफ लाइक द टिपिकल कोरियन मेकअप वाला जो लुक होता है, इट प्लम्प्स योर लिप्स. तो इसको मैं ऐसे लगाती हूँ और फिर ऐसे करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल लुक आता है जो कि कोरियन हमेशा एक अचीव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट कि नो मेकअप मेकअप लुक वाला जो है ना, आई थिंक उनका आइडियोलॉजी रहता है.
यहाँ पे ना स्ट्रीट पे मैं देखती हूँ कोई भी किसी का ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा है, बट एक्चुअली उन लोगों ने कर रखा होता है, इससे उनकी स्किन अच्छी है स्किन केयर कर करके, या फिर वो मेकअप ही इस तरीके का करते हैं कि नेचुरल सा लगे, बहुत ज्यादा आई शेडो नहीं या बहुत ज्यादा ब्लश नहीं, बहुत ही न्यूट्रल और नेचुरल सा लगता है. तो दैट इज वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट द पीपल हियर. नेक्स्ट आप हुए यूजिंग श्योर कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, मैंने कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर डाला है इसे. बट हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, व्हाइल आई अप्लाई माय कॉन्टोर, यहाँ पे कोई कॉन्टोर यूज ही नहीं करता. मतलब मैंने जितना देखा है कोरियन शोज में, थोड़ा बहुत नोज कॉन्टोर कर लेंगे, ज्यादा नहीं कोई करता, और जॉ लाइन कर लेंगे, चीक्स तो कोई करता ही नहीं है. बिकॉज यहाँ पे पता है क्या है, कोरियंस बिलीव कि जितना ज्यादा प्लम्प फेस होता है जिनमें, वो क्यूट माना जाता है, एंड कोरियंस स्ट्राइव फॉर अ क्यूटर मेकअप लुक रादर देन लाइक अ सेक्सी और अ स्कल्प्टेड फेस. जॉ लाइन कॉन्ट्रोल करने के लिए हल्का सा मैं यहाँ लगा देती हूँ, थोड़ा सा जॉ लाइन भी नहीं है, वो वी लाइन बन जाती है, तो यहाँ का थोड़ा ब्लेंडिंग हो जाती हूँ मैं. एंड नोज कॉन्ट्रोल करती हूँ, एंड फोरहेड जरूर कॉन्ट्रोल करती हूँ मैं. कहते हैं मेरा फेस मेकअप हो गया डन, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर आईज. सो मेरा फेस मेकअप हो गया है डन, एंड वी आर गोना डू आवर आईज नाउ. जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद आवर आईब्रोज, दिस इज अनस्तासिया बेवरली हिल्स आईब्राउ पोमेड, एंड ये स्विस ब्यूटी की ब्रश है जिसे मैं अप्लाई करूंगी. एंड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे को बोलनी थी तुम लोगों से, वो ये है कि तारीफ हुई थी यार अभी थोड़े दिनों पहले, पता है मेरी, मेरे को एक आंटी मिली, वो मेरे को कह रही थी कि ऐसे ऐसे करके कह रही थी, ओ सो क्यूट सुहेपुदा, छोटा सा फेस है, छोटा सा फेस है. वो देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे कोरियंस को तो छोटा जो फेस होता है ना, दे आर लाइक क्रेजी अबाउट इट. जिसका भी यहाँ पे स्मॉल फेस होता है ना, सो दे बिलीव लाइक इट्स अ गुड फेशियल फीचर. तो वो सुन के मेरे को काफी खुशी हुई कि एटलीस्ट लाइक चलो तारीफ हो रही है यार. आईब्रोज भी यहाँ पे पता है हमारे यहाँ जैसे आर्च बनाते हैं, वो स्ट्रेट करते हैं कोरियंस, इनफैक्ट एशियंस की होती है ऐसे हैं ज्यादातर, लाइक चाइनीज पीपल और जापानीज पीपल यू विल सी दे आल्सो हैव स्ट्रेट आईब्रोज. वो ब्रश काम भी नहीं. ओके सो नेक्स्ट वी आर डूइंग आईज, एंड इसके लिए आई एम यूजिंग दिस न्यूड प्रोफ्यूजन पैलेट, और मैं बहुत ही बेसिक करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोना यूज द ब्राउन शेड्स, ये वाला और ये वाला मिक्स करके हल्का सा बस कॉर्नर्स पे लगा लूंगी. यहाँ मैंने देखा नहीं किसी को भी बहुत ज्यादा हार्श आई शेडो यूज करते हुए, सिवाय वो एक लड़की के मेरे को चलते हुए देखी थी, एंड शी हैड लाइक अ प्रॉपर वो उलचांग वाला मेकअप नहीं कहते, वो एकदम बड़ा सा आई लाइनर और बहुत सारी आई शेडो वो सब, बस वो एक लड़की थी. उसके अलावा एवरी वन इज लाइक वेरी बेसिक विद देयर मेकअप. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ग्लिटरी शेड, एंड ये ना मैंने अपने इनर कॉर्नर्स में हल्का सा लगा लिया है, एंड दैट इज बिकॉज पीपल इन कोरिया इन जनरल, लाइक आई सेड, दे वांट टू लुक क्यूट, एंड दिस एड्स टू दैट क्यूटनेस. एक कवाई वाला जो मेकअप लुक होता है, दैट यू नो इट कम्स आउट. ऑल्सो इससे पता क्या होता है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी लगती हैं. लास्टली आई एम जस्ट गोना कर्ल माई आई लैशेज एंड विल बी डन. एक लैशेस कर्ल करते वक्त और एक मस्कारा लगाते वक्त जो मुंह बनता है ना, किसी का देखने लायक नहीं होता. आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज मेकअप लुक, मेरा तो हो गया. एंड अभी मैं जाऊंगी बाहर, कुछ देखते हैं क्या है, भूख लग रही, कुछ खा रही है, अभी ढूंढेंगे. ये पेड़ पे फल मिला, उसके अंदर ये पैनी फल है भी, जो भी है ये मिला. तीन चीजें खोलियो प्लीज, तोड़ के देखिए क्या है. बहन जहर हुआ तो मैं मरूंगी. नहीं किस चीज से तोड़ ले जा रही है ऐसी तो गार्लिक. यहाँ हम आ गए हैं थोदू तुम तुम छन छक. बस देख कौन सा नंबर जाएगी, आएगी एक 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 ट्रिपल वन वन, मतलब डबल वन डबल वन. निकल तो नहीं गई, आई डोंट नो, जितना तुम घूम के आओ हो सकता है. प्रिया मायूस हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमें पीछे के घर अच्छे लग रहे हैं ना. कुछ खाना क्या, सिनेमन बन पर रोल थिंग और चिपके हुए. वही आंटी क्या तोड़ रही है, आंटी फूल. आंटी बताओ ना क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे. चल एक ये ले ले, ये ट्राई करेंगे.
ठीक है। ये इनके यहाँ के पॉपुलर कुछ स्नैक होता है, कोरिया डेजर्ट। हाँ ये हमने अभी तक ट्राई नहीं करा है। What just happened? किसी एक इंसान ने आके रोक लिया था, वो तो कोरियन भी नहीं था, वो पता नहीं कौन सी किसी कंट्री का था, कह रहा था यू नो अरेबियन अरेबिक करके कुछ कुछ पता नहीं भाषा, नहीं नहीं भाषा नहीं वो, हाँ रेस्टोरेंट का नाम बता रहा। अच्छा 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 ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता, मैं तो यही हूँ घूमने आई, मेरे को नहीं पता। फिर कहता तो तुम यही रहते हो? नहीं हम नहीं रहते। तो नंबर दे दो, हम पे है नहीं नंबर, तो कुछ दे दो व्हाट्सएप फेसबुक कुछ, तो नहीं है भैया हम पे। चेरी ब्लॉसम की कहानी वही फिर से आगे रंग बिरंगी सड़क, वो फेरी है क्या यहाँ पे? फेरी नहीं है ये बोट, फेरी क्या पोर्ट है के लिए। कितनी सुंदर जगह है देख लो भाई और बहनों। शिवानी जल्दी आ, यहाँ से रनवे दिख रहा है, वो प्लेन देख वो रेडी हो रहा है। ये पकड़ियो कैमरा पकड़, एयर्स होल तो धीरे चल रहा है। क्या बादल है भाई। मैं शिवानी एक बार देखियो फोटो में, सब लोग खा पा रहे हैं। एक बार The next morning we start to plan what we will do. Now life's back in color and everything's feeling brand new. Hey guys, so this is my room in Jeju. This is Pampas Hotel and are aao yaar देखो कितना कमाल का है, इट्स ऑल ब्लैक एंड व्हाइट व्हिच आई लव, माय फेवरेट, एंड वी हैव लाइक अ सीटिंग कॉफी एरिया व्हिच आई एम गोना यूटिलाइज फॉर श्योर, आई एम सेइंग दिस। कॉफी बना के पिएंगे। बेड कितना मस्त है, कितना बड़ा है, हाँ फैल के सो सकती है, फैल के सोएंगे एंड और गिरने का डर भी नहीं है, तू ही गिरती होगी, मैं नहीं गिरती। एंड सामने है हमारा व्यू जो कि इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हमारा जो दूसरा होटल था उसमें ज्यादा व्यू अच्छा था, बट एट लीस्ट वी हैव दिस टू बी ऑनेस्ट प्रिया नहीं एरिया एंड वी हैव अ सी व्यू हियर, मतलब इट्स नॉट फोटो एस्थेटिक वाइज गुड बट असलियत में देखने वाइज इट्स वे बेटर। नीचे जो ये पेड़ है नेक्स्ट टू है यार, इट्स ब्यूटीफुल ब्रो, इवन इट फील्स क्लोजर टू द सी देन प्रीवियस, और इवन इन द फोटो इट लुक्स सो प्रीटी। हमारा जो ये होटल है इट्स लिटरली जस्ट एयरपोर्ट के पीछे बिल्कुल, तो अभी हम देख रहे थे बाहर से कि रनवे पे कोरियन एयर का एक प्लेन बुक कर रहा था टेक ऑफ के लिए प्रिपरेशन, और यहाँ पे हमारे कॉफी, ओ इन लोगों ने कॉफी भी दी है, बरिस्ता ये बनाएंगे। गाइस दिस इज लिटरली द एयरपोर्ट, ये हमारे होटल का थोड़ा बैक साइड है एंड दिस इज लिटरली द रनवे, वहाँ पे वो प्लेन जा रहा है। कितनी बनानी है कॉफी? कॉफी कितनी बनानी है? एक मेरी एक तेरी। पानी कितना डालूं? इसमें कितना लिख रहा है पीछे पैकेट पे? इस पे बहन लगता है बहन इस पैकेट पे जो लिख रहा है ना वो भगवान ही बता पाएगा। कुछ अजीब नहीं लग रहा है। कपड़े और क्या चाहिए जिंदगी में, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। दो साइड इसका रिप्लाई नहीं करो, चम्मच से पिराने लग जाती है। इन जेजू आइलैंड हमारे कमरे में एक शीशा है, हमारे कमरे में दो शीशे हैं, हमारे कमरे में आई मैं गिर गई यार, मैं इस पे जस्ट 10 करोड़ बार गिर चुकी हूँ, हमारे कमरे में 3 शीशे हैं। Yeah, my face, but you wanna taste. You guys got a lot to say, but you can't look.
देख लो यार तुम लोग कितना सही लग रहा है ना यार ये। ओ क्या है ये तो पूरा ही यहाँ से गंदा हो रखा है। पिएगी क्यों इस पानी को बे तू? समुद्र का तो वैसे भी नहीं पी सकते। वाओ ओ भाई मेरे हाथ से फोन गिरता अभी। क्या सही लग रहा है हवा। तू नहीं उड़ने वाली, मैं तो फिर भी उड़ जाऊंगी। पत्थर, एक और पत्थर, एक और पत्थर, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर। मैं कह रही हूँ एक बात अच्छी लगती है मुझे साउथ कोरिया की। क्या? भीड़ नहीं है यहाँ पे। That is true. हर चीज शांति से खुले खुले, सफाई, भीड़ नहीं है। शिवानी अपने बालों में सेम मैचिंग क्लिपें लगाती हुई सजती हुई। कॉर्सेट कब दिखा? दिस इज माई फेवर, ये मेरे को फिट नहीं आता, दैट्स सैड। मेरी आउटफिट देख लो यार, बाल खराब हो गए फॉर सम रीजन, ऐसा नहीं लग रहा है। और जेजू में थोड़े से ज्यादा आई फील है, क्योंकि जेजू में तो बहुत ही हवा चल रही थी। ओ भाई क्या वो ओशियन का पानी यहाँ सड़क तक आने लगा है? हैं? हाँ देख तू। ओ जाम थे? हाँ अभी तो थोड़ी देर पहले जाम मिल रहे तो गए। ब्रो सो कूल एंड डेंजरस। ये बात भी है। देखियो ठीक है, है? Yes. So, ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरे बाल हैं, मैंने अच्छे से बना लिए हैं विद दिस क्लचर जो मेरे आउटफिट के साथ मैचिंग है। इट्स अ ड्रेस बाय एंड एंड मैंने शूज पहने हुए हैं नीचे, उसके अंदर मैंने सॉक्स भी पहन रखी हैं जो आई एम नॉट श्योर मैचेस बट शिवानी सेज इट्स मैचिंग सो आई एम लाइक ओके परफेक्ट। मैंने हाथ में ये पहना हुआ है, इट्स अ वॉच बाय डैनियल वेलिंगटन। ये ब्रेसलेट है जो शिवानी लाई है एंड कुछ और भी था, ये इयररिंग है, एक कान में पहने दूसरा खो गया है तो एक ही पहन लेंगे फैशन। और ये गले में है जो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट कि किसी को राज पता लगे कि इतनी बेज आउटफिट के साथ इतना ज़्यादा कलरफुल चीज़ पहन रखी है मैंने अंदर से, तो हम इसको छुपा लेंगे अंदर। चल अब चलें, लेट्स गो। ये लोग अपनी कितनी मस्ती गाड़ी में कहीं जा रहे हैं सब दोस्त शो। ओह वहाँ दिख नहीं रहा भाई, क्या एरिया लग रहा है वो, और सामने सी ही सी है। ये हमारा होटल का बहुत ही सुंदर सा एंट्री वे है एंड द सी। यहाँ पे ये सारे कलरफुल कलरफुल लगे हुए रेनबो, उसमें डोंट डेयर टू ड्रीम, पता है इस लोकेशन दिखाई थी इसमें रेनबो वाले वो बॉक्सेस थे। हाँ। वो अरे वो यहीं पे है कहीं। हाँ तो मैं वही बोलने वाली थी कि स्टोर में वर्ड पर मुझे नहीं पता वो है कहाँ, यहीं कहीं है। हाँ शिवानी पता सुबह कह रही थी अरे मुझे लग रहा है कि होटल दिख रहा था मुझे, पर आई थिंक हमने लिया नहीं क्योंकि शायद सुंदर कम था, होटल नहीं वो कैफे। ये वाइट हाउस है भाई, स्टारबक्स ड्राइव थ्रू। स्टारबक्स के ड्राइव थ्रू में पैदल चलेंगे आप? नहीं पता नहीं कौन है तो छोटे छोटे पत्थर को जोड़ के यहाँ पे बना के चला जाता है डिजाइन। गज्जक का रस कौन लगा रहा है इसके अंदर बैठ के? हाँ यहाँ पे पत्थरों की गज्जक पता नहीं कौन खा रहा है। हर क्लिप में सबसे पहले ऑन है आता है तेरा। ऑन है? नहीं ऑफ है। सही में? नहीं अब ऑन है। हाँ ये है क्या हुआ? जो मैंने इतने डीप थॉट्स से पढ़ा है पता क्या है वॉशरूम।
भाई क्या गाना चला रखा है। अभी हम गाड़ी से ढुकते ढुकते बचे हैं। शिवानी हाँ? गाना तो अच्छा चल रहा था, पर शॉप किस चीज की है? वहां लिखा जेजू कोजी टंग पोर्क। तो आगे बढ़ते हैं। शिनचान ओ तेरे दोनों फेवरेट जानवर। कितना सुंदर दिख रहा है ना वो, देखियो। चलो आ जाओ, इधर नहीं जा रही हम। मैं सीढ़ी है, चल उतरने का शॉर्ट रास्ता है। It's the new style, it's a fresh type of girl. पीछे से दिख रही है तू।